चंदन जी, आपका शेयर कौन सा है अभी? आप क्या ट्रेड करेंगे सर, लॉन्ग है या शॉर्ट हैं आप? देखिए लॉन्ग की तरफ है और दो काउंटर मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए बाय ऑन डिक्लाइन के लिए सुबह, जिनमें से हमारा फोकस मारुति और अपोलो हॉस्पिटल पे है। अपोलो हॉस्पिटल में आप देखोगे अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इनफेक्ट 2 दिन से हम सजेस्ट कर रहे हैं। दो तीन काउंटर भी मुझे समझ में आ रहे हैं जो रेडार पे। एक तो यहाँ पे डीमार्ट मुझे समझ में आ रहा है, पिछले 4-5 दिनों से हम इस पर रिकमेंड कर रहे हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 4,300 का सपोर्ट है, ऊपर में 4,550 प्लस तक के टारगेट। डिफेंस काउंटर अच्छे लग रहा है, डिफेंस में HAL वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है, तो HAL को खरीदारी की सलाह रहेगी। 3,250 का स्टॉप लॉस से ऊपर में 3,400 के टारगेट के लिए। तो डीमार्ट, HAL और अपोलो हॉस्पिटल, ये तीन चार चुनिंदा पिक है जहां पे अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में बनना चाहिए। ठीक है, डीमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल और HAL। HAL के लिए खबर भी थी ये छोटी सी, कि गुयाना की सरकार से उनको एक छोटा सा 150-200 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। आज हम शेयर में तेजी देख भी रहे हैं, 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो तीन शेयर, डीमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल और HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये चंदन जी के रडार पर। आखिर में किरण जी आपके पास आएंगे, आपके शेयर कौन से हैं सर? एक ही शेयर है या फिर दो शेयर आप सुझाएंगे? सो हमारे पास भी दो शेयर है। पहला हम देखेंगे तो मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन से मार्केट को सपोर्ट दिया है और लग रहा है कि कंटिन्यू ये मार्केट को सपोर्ट देता रहेगा। सो मेटल सेक्टर के अंदर हमें हिंडाल्को काफी अच्छा लग रहा है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो गैप है वो गैप अभी फील हो सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस है 5:45 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, ओपन लो भी इसका सेम है। सो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनल या अगर 2-3 दिन के व्यू के साथ अगर ट्रेड करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 534 का रखना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 570-575 तक के टारगेट हिंडाल्को में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से हिंडाल्को में हमें लॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो कैश का स्टॉक है CDSL। CDSL में अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसने रिटेस्ट किया है और कहीं ना कहीं उसके बाद से आप देखोगे तो लास्ट 2 दिन में फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि एक अपसाइड पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1780 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1900 तक की रैली आप 3-4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हिंडाल्को एंड CDSL इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन के व्यू पॉइंट से हमें लॉन्ग करना चाहिए। सर, दो चार शेयर स्पीड से मैं आपसे पता कर रहा हूँ। पहला, आईसीएस प्रू सर, 2% ऊपर है सर, ये इसको देखा आपने क्या, आईसीएस प्रोडेंशियल? देखिए ICICI प्रू की बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे कि नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। लगातार 4 दिन से हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन है, राउंडिंग स्विंग्स यहाँ पे बन रहा है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 585 का सपोर्ट है 620 के टारगेट के लिए। ठीक है सोनी, ये आज हमारी सुबह बात हुई थी इंडस टावर को लेकर, आप भी कह रहे थे कि 300+ हो जाएगा, हमने चार्ट के जरिए दिखाया भी था। आज ये शुरुआत में 3% ऊपर हो चुका है, ये सीरीज के अंदर रोल ओवर करके जाए ना, जिनके पास भी पड़ा इंडस टावर? डिम्पी जी, बिकॉज रोल ओवर्स ऑलरेडी हो भी रहे हैं काफी अग्रेसिवली ऑन द लॉन्ग साइड, सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया है लेवल्स फॉर द टारगेट ऑफ 300, वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। एक और शेयर मेरे को पता करना है, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये आज इस पे रिपोर्ट भी आई या नहीं भी आती ना रिपोर्ट, तब भी डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं सारा क्रेडिट डाटा को छोड़ के रिपोर्ट को दे देता हूँ। चलो भाई ठीक है, आपकी रिपोर्ट आई, आप खुश हो जाइए, 3% ये शेयर ऊपर आ गया है। एक बार जरा लाल पैथलैब पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए किरण, एक बार जरा आप चेक करेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब कहाँ तक जा सकता है? तो मॉर्निंग में भी जिस तरह से हमने डिस्कस किया था डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड मेट्रोपोलिस दोनों एक बुलिश जोन के अंदर थे। हालांकि लाल पैथ लैब में हमने कहीं ना कहीं होल्ड की सलाह दी थी, नई एंट्री की सलाह तो नहीं दी थी, लेकिन आज जिस तरह का फॉलोअप बाइंग है 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले टाइम पे इसका जो सपोर्ट था 2160 उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है जब तक कि 2160 के ऊपर है आप बाई कर सकते हो। 2160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो वापस ये अपने डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करेगा, नहीं तो जब तक कि 2160 के ऊपर है देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। सो 2250-2260 के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 2160 के स्टॉप लॉस।